हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ बैंगन का भुर्ता। यहाँ पर मैंने एक बैंगन लिया है, ये 300 ग्राम का है वजन में। साथ में ही लिया है एक बड़ा प्याज, इसे बिल्कुल मैंने बारीक काट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है थोड़ा सा, और एक टमाटर, इसे भी मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। और ये तड़का लगाने के लिए मसाला। सबसे पहले हम बैंगन का ये ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से निकाल देते हैं और बैंगन को 20 से दो हिस्सों में काट लेंगे। प्रेशर कुकर के अंदर 2 ग्लास पानी डालेंगे। बैंगन के अंदर इस तरह से मैंने 2 कट लगा लिए हैं और इसे इस तरह से खोल कर देख लेंगे कि अंदर से ख़राब तो नहीं है, इसमें कीड़ा तो नहीं है। और बैंगन को छिलके सहित इसमें डाल देंगे पानी के अंदर। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे 2 सीटी लेकर पका लेंगे। यहाँ पर बैंगन को मैं प्रेशर कुकर में पका रही हूँ। आप चाहें तो गैस के ऊपर इसे सीधा रखकर पका सकते हैं। बैंगन पक रहा है, तब तक बैंगन का भुर्ता का हम तड़का लगा लेते हैं। गरम कढ़ाई के अंदर हम 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम होने पर 1 पिंच हींग, आधा छोटा चम्मच राई, आधा छोटा चम्मच जीरा, साथ में ही अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज डाल लेंगे। गैस का फ्लेम इस समय मैंने मीडियम रखा है। इन सभी को मिक्स कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक भूनेंगे। प्रेशर कुकर की 2 सीटी हो गई है तो गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं। प्याज को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो लाल मिर्च पाउडर बढ़ा सकते हैं। इन सभी को मिक्स कर लेते हैं। अभी भी गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। साथ में ही टमाटर डालेंगे और इसके साथ में ही मैं आधी कटोरी पानी डाल रही हूँ। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं गैस का फ्लेम लो कर लूँगी और हम इन मसालों को लो फ्लेम पर तेल छूटने तक पकाएंगे। बीच बीच में इन्हें 3-4 बार चला लेंगे, गैस का फ्लेम लो रखेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। इन मसालों को हम ढक कर पकने देते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद एक बार मसाले को चला लेते हैं और फिर से ढक देते हैं। प्रेशर कुकर को खोलकर बैंगन को ठंडा होने देते हैं। बैंगन ठंडा हो गया है तो इसका छिलका इस तरह से हम निकाल लेंगे। छिलका बहुत आसानी से निकल जाता है, आप देख सकते हैं। मसाले अच्छे से भुन गए हैं तो अब मैं इसके अंदर बैंगन डाल लेती हूँ। बैंगन को हम मैश कर लेंगे अच्छे से इस तरह से। अगर आपके पास इस तरह का नहीं है तो आप चम्मच से भी मैश कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप आलू मैशर से ही इसे मैश करें। बैंगन अच्छे से पका हुआ था तो आराम से मैश हो गया है। 1 मिनट तक पकने के बाद अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। बैंगन का भुर्ता बनकर तैयार है। इसके अंदर हमने खटाई के लिए टमाटर डाला है। अगर आप मीठा भी पसंद करते हैं तो आधा चम्मच शक्कर डाल सकते हैं। आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। और भी इस तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।